नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इस आपदा के समय में भी एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त लोगों ने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने के मौके ढूंढ लिए हैं, किस प्रकार से बुरके में उलझी हुई ऑक्सीजन को हिंदू राष्ट्र की वजह से नाक तक ना पहुँचने के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, किस प्रकार से अपने प्रोपेगेंडा को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ में होने वाली मीटिंग को लाइव किया जा रहा है, और किस प्रकार से महाराष्ट्र में जब पूरी तरीके से व्यवस्था डावाडोल हो गई, जब 100 करोड़ रुपए की उगाही से समय नहीं मिल पाया, तो हॉस्पिटल्स में जब आग लगी तो 13 लोग जल करके मर गए। जी हाँ, महाराष्ट्र में आपने पिछले दिनों देखा होगा किस प्रकार से अभी तक ऑक्सीजन की कमी में लोग मर रहे थे, वहीं आपने देखा कि महाराष्ट्र के ही अंदर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन के लीक होने के कारण वहां पर 24 लोगों की मौत हो गई थी। इसी महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने वाले लोगों को जल करके मजबूरी वश मरना पड़ा, क्योंकि उस हॉस्पिटल में आग लग गई और उस हॉस्पिटल के पास में कोई एनओसी भी नहीं था। हर संस्था का एक ऑडिट होता है, ऑडिट में ये सब कुछ चेक किया जाता है कि वहाँ पर अग्निशमन यंत्र किस प्रकार से काम कर रहे हैं अथवा नहीं। हॉस्पिटल का ऑडिट हुआ था और उसमें भी एनओसी इस हॉस्पिटल को नहीं मिल पाया था, लेकिन बावजूद इसके हॉस्पिटल ने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, ना ही कोई नया पैसा खर्च किया। आग लगी और 13 से अधिक लोग बताया जा रहा है कि वहाँ पर जल करके मर चुके हैं। लेकिन आपको ये पता है कि इस आपदा काल में जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, जो पत्तलकार हैं, और जो पत्तलकारिता के नाम पर गिद्ध का रोल अदा कर रहे हैं, वो सब लोग इस समय पर उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों पर नज़र जमाए बैठे हुए हैं। उनको महाराष्ट्र में मरने वाले लोगों से कोई संवेदना नहीं है। उन लोगों को राजनीति वहीं पर करनी है जहां पर नरेंद्र मोदी की सीधी जिम्मेदारी बनती है, अथवा ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से या ना होने से कोई मतलब नहीं बनता। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार नॉन स्टॉप ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वहीं एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि जनवरी 2021 में ही अरविंद केजरीवाल नीत दिल्ली की सरकार को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दे दिया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उससे कोई प्लांट नहीं लगाया। जिस समय पर प्रधानमंत्री इस अप्रैल की शुरुआत में मीटिंग्स ले रहे थे, उस समय पर अरविंद केजरीवाल ऊँग रहे थे, हंस रहे थे, दूसरों को फ़ोन मिला रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन अब आकर के उन्होंने रोना जिजाना शुरू कर दिया है। यानी कि जिस समय पर मांग की जानी चाहिए थी, उस समय पर कोई मांग नहीं की, और अब आकर के विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। 8 ऑक्सीजन प्लांट का पैसा वो ऑलरेडी विज्ञापनों में फूंक चुके हैं। दिल्ली वालों ने बहुत ही गजब की किस्मत पाई है, बेचारे फ्री की बिजली और फ्री के पानी से कोई फ्री की ऑक्सीजन बनाने का YouTube वीडियो भी जो अभी तक नहीं आया, वरना नहीं तो फ्री के वाईफाई से अपने फ़ोन पर ऐसा वीडियो चला करके वो फ्री की ऑक्सीजन बनाकर उसी को सूंघ कर अपनी जान बचा लेते। और उससे भी ज़बरदस्त किस्मत पाई है दिल्ली वालों ने उस समय, जिस समय पर केजरीवाल ने खुद अपने ही बड़े बाप राकेश डकैत को बॉर्डर्स पर ला करके लिटा दिया था। डकैत ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है और इसके माध्यम से किसानों के आंदोलन को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। डकैत ने जिन लोगों की बुद्धि पर उस्तरा फेरा है, उस पर उन्होंने खड़े होकर के मूत भी दिया है। वो कैसे? एक तरफ तो किसानों को कहा जा रहा है कि ये एक षड्यंत्र है, ये कोई आपदा या बीमारी नहीं है और आप सब लोग बॉर्डर पर जाकर के लेट जाइए। वहीं दूसरी तरफ डकैत ने खुद वैक्सीन लगवा ली है। जी हाँ, वो वैक्सीन का विरोध भी कर रहा है, इसको कोई आपदा कोई बीमारी नहीं बता रहा है। ऊपर से वो लोगों की सुताई करने, बक्कल उतारने की जो उसकी बेहूदगियाँ हैं उनको दोहरा रहा है और खुद जाकर के वैक्सीन लगवा रहा है। और इसी बॉर्डर पर पड़े हुए इन डकैतों की वजह से ऑक्सीजन सीधे दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है, वो 2-3 घंटे लेट हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। केजरीवाल एक तरफ तो
रोना रो रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के प्लांट का पैसा विज्ञापनों में उड़ा चुके हैं, और जो ऑक्सीजन बाहर से आनी थी दिल्ली वालों को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसने अपने लोगों को ही बॉर्डर पर लिटा दिया है, और वो लोग भी पूरी तरीके से दोगले हैं। दिल्ली वालों के लिए कभी तो मन करता है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए, कभी मन करता है कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाए, और कभी कभी मन करता है कि केवल उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये उनके फ्री के बिजली, पानी और वाईफाई के चक्कर में हो रहा है। दिल्ली की इस समय पर जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, और इसके ऊपर हाई कोर्ट ये तक कह चुका है कि जो व्यक्ति भी ऑक्सीजन के आड़े आएगा हम उसको सीधे ही फांसी पर टांग देंगे। लोगों को जीने का अधिकार सबसे पहले है, लेकिन केजरीवाल जी हैं वो अपनी राजनीति से बाज नहीं आने वाले हैं। जहां एक तरफ भारत में हर संभव प्रयास, चाहे वो हमारी सेना हो, रेलवे हो, मंत्रालय हो या आम जनता हो, सभी लोग एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भुला करके इस पेंडेमिक से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वही आरफा खानूम शेरवानी जैसी एकदम घटिया और लीचर टाइप की जो महिला है वो केवल पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के मौके खोज रही है। मैंने पहली बार किसी पाकिस्तानी महिला के मुंह से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा सुना। आप लोग कहेंगे कि आरफा खानूम शेरवानी तो हिंदुस्तानी ही है। जी नहीं, यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये महिला पूर्ण रूपेण अंदर और बाहर से भौतिक और मानसिक स्तर पर पाकिस्तानी है। ये पहले भी स्ट्रेटेजी चेंज करके यहाँ भारतवर्ष में संविधान के आधार पर इस देश को ख़त्म करके शरिया कानून लाने की बातचीत कर चुकी है। दूसरी तरफ इसकी जुड़वा बहन, जिसको हम कहते हैं राणा अय्यूब नाम की घोंसलाधारी महिला, अब कह रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्या आपको पता है कि इस गर्मी के माहौल में भी इन महिलाओं को बुरके में लद कर चलना पड़ता है? ऑक्सीजन की कमी भले ही ना हो, लेकिन इस बुरके में वैसे भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। मेरा इन लोगों को कहना है कि इस मोमो के पट्टे को अपने गले से उतार कर फेंक दो, सीधी हवा नाक तक पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। इस पूरी की पूरी सृष्टि के अंदर जिस प्रकार से ईश्वर ने हमें ऑक्सीजन दी है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। भूत प्रेत कह करके जब लोग पीपल के पेड़ों को काट दिया करते थे, जब पीपल के प्रति हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जाता था, आज उन लोगों को भी समझ आ गया होगा कि सृष्टि ने इस ईश्वरीय विधान में प्राकृतिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हमको मिले हुए थे, हमने उनको धड़ाधड़ काट करके कंक्रीट के जो जंगल बनाए हैं, हमारी ये स्थिति तो होनी ही थी। भारतवर्ष में अभी भी पत्रकारों का पत्तलकारिता और उनका जो वल्चर कल्चर है, यानी कि उनका गिद्धिज्म जो है, वो अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अफवाहें फैला करके लोगों में पैनिक पैदा करना, लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा करके इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना ताकि लोग बीमारी से कम, अफवाहों और अफरा तफरी से ज़्यादा मर जाएं। सरकारों को इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जिस प्रकार से अफवाह फैलाने पर उत्तर प्रदेश में सीधे ही कड़ी कार्रवाई करने के आदेश योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई इस प्रकार की अफवाह फैलाता है तो उसको तुरंत ही डिबंक करें। केजरीवाल से पीछा छुड़ाने हेतु दिल्ली की जनता को तुरंत ही कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो एक तो यहाँ पर कंक्रीट का जंगल, दूसरा यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक, और तीसरी कि यहाँ पर जो वल्चर कल्चर के लोग बैठे हुए शासन कर रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के गले नाक पूरी तरीके से चौक कर देंगे और ऑक्सीजन को बॉर्डर्स पर रुकवा देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको लोगों तक पहुँचाइए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।